थ्योरम सिक्स पॉइंट फोर है लेट यू एंड वी बी टू वैक्टर ओवर ओवरफील्ड एव एंड टी वन फ्राम यू टू वी टी टू फ्राम यू टू वी बी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन रैंक ऑफ टी वन प्लस टी टू लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ टी वन प्लस रैंक ऑफ टी टू कि अगर यू और वी दो वैक्टर स्पेसिस हैं और टी वन और टी टू दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से भी तो हमें शो करना है कि जो इन दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कि जो सम का रैंक होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा इन दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अलग से रैंक के एडिशन के मेन डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी वन प्लस टी टू ये लेस देन इक्वल टू हमें प्रूव करना है डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी वन प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी टू तो यहाँ हमें T1 वन भी यू से वी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है T2 टू भी यू से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो इन दोनों का जो एडिशन है वो एग्जिस्ट कर जाएगा और इन दोनों का जो एडिशन यानी कि जो सम होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का उसे हम डिनोट करेंगे T1 वन प्लस टी और ये भी एग्जिस्ट करेगा यू से वी तक और इस वे से कि जब कभी भी इन दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सम है डोमेन के किसी वेक्टर यू पर अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा टी ऑफ यू प्लस फॉर ऑल यू to टू यू हमें क्या निकालना है के के इन दोनों के sum का का डायमेंशन निकालना है, और इन दोनों linear transformation, T1 और T2 की भी रेंज का डायमेंशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है अगर T है उसका T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V, तो उसकी जो रेंज है रेंज ऑफ लीना ट्रांसफॉर्मेशन टी इसे हम डिनोट कर सकते हैं टी ऑफ यू से भी इसमें किस टाइप के वैक्टर्स आते हैं टी ऑफ यू टाइप के जहां यू बिलोंग्स टू यू मीन यू डोमेन के वैक्टर की इमेज वाले वैक्टर्स जो वी में मिलेंगे तो यहां हमें डायमेंशन निकालना है रेंज ऑफ टी वन प्लस टी टू तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक वेक्टर चूज कर लेते हैं वी रेंज ऑफ टी वन प्लस टी टू से तो टी वन प्लस टी टू की रेंज में से एक वेक्टर चूज किया तो वो कुछ इस फॉर्म का होगा मतलब टी वन प्लस टी टू ऑफ यू टाइप का होगा वेयर यू है वो डोमेन वाले यू का वेक्टर होगा तो यहां हमें यू डोमेन का एक वेक्टर मिल गया तो यहां अब हम डेफिनेशन लगाते हैं इस सम के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सम की तो इसे हम लिख सकते हैं t1 ऑफ u प्लस t2 ऑफ u अब t1 ऑफ u सबसेट होता है सॉरी बिलोंग करता है t1 ऑफ कैपिटल u और t2 ऑफ u ये बिलोंग करेगा t2 ऑफ कैपिटल u ये इसका ही वेक्टर है तो इन दोनों का जो सम है वो किसका एलिमेंट हो जाएगा t1 ऑफ u प्लस t2 ऑफ u मेन ये v है वो वेक्टर हो जाएगा t1 ऑफ u प्लस t2 ऑफ u का तो ये वी वेक्टर हमने लिया कहां से था रेंज स्पेस ऑफ t1 प्लस t2 तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि रेंज स्पेस ऑफ t1 प्लस t2 ये सबसेट हो जाएगा t1 ऑफ u प्लस t2 ऑफ u के तो रेंज स्पेस ऑफ t1 प्लस t2 ये सबसेट ऑफ t1 ऑफ u t1 ऑफ u को हम लिख सकते हैं r ऑफ t1 और t2 टू ऑफ यू को लिख सकते हैं r ऑफ t2 टू क्योंकि दूसरी नोटेशन ये है रेंज स्पेस ऑफ t की अब ये जो सेट है इन दोनों के एडिशन का सबसेट है तो इसकी जो डायमेंशन है वो भी क्या होगी इन दोनों के एडिशन के डायमेंशन से इन दोनों के डायमेंशन के एडिशन से लेस ही होगी तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी वन प्लस टी टू लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी वन प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी टू इसके डायमेंशन को हम नाम देते हैं रैंक ऑफ टी वन प्लस टी टू डायमेंशन ऑफ आर्टी वन हो जाएगी रैंक ऑफ टी वन डायमेंशन ऑफ आर्टी टू हो जाएगी रैंक ऑफ टी टू यही हमें प्रूव करना था कि कोई दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जो सम की रैंक है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होती है उन दोनों की रैंक के एडिशन के